हेलो एंड यू वाचिंग क्लैपट्रैप। वी आर बैक अगेन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टार्टिंग दिस वीडियो विद अ वंडरफुल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम अ वेरी फेमस टाइटल। यू कैन बाय दिस बुक ऑनलाइन एज वेल। इज कॉल्ड द बॉटनी ऑफ डिजायर, रिटन बाय माइकल पॉलन। दिस बुक इज अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। नाउ कमिंग बैक टू द इन्फॉर्मेशन, द पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन पिक्ड आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बुक आफ्टर अ लॉन्ग स्टडी ऑल द साइंटिस्ट बिहाइंड द बॉटनी एंड plants, those who study plants, they understand that plants are glorifying themselves, they are beautifying themselves to get human attention. Why? It's because they want to spread, they want a larger growth. So, अगर आप अपने आस पास देख रहे हैं प्लांट्स हैं तो ये बात सच साबित होती है कि प्लांट्स जिस तरह से अपने अपने लुक्स को चेंज कर रहे हैं, दिस ऑफकोर्स टेक्स वेरी लॉन्ग पीरियड, बट जनरली प्लांट्स जो अच्छे दिखते हैं हम उनको इंटेंशनली और अनइंटेंशनली उनको ज़्यादा खरीदते हैं और अपने घर में उगाते हैं। तो ये भी एक तरीका है प्लांट्स को, अपनी पॉपुलेशंस को, अपनी जनसंख्या को बढ़ाने का। सो ये तो एक हो गया फैक्ट। अब बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो कि प्लांट्स को प्यार करते हैं लेकिन उनको लगता है कि समर्स में, यानी कि गर्मियों के टाइम में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो ये सही समय नहीं होता है प्लांट्स खरीदने का, और साथ में ये डर भी बना रहता है कि जो प्लांट्स हमारे पास होते हैं वो गर्मी से जल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आज हम आपको उसी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। हेलो अजय जी, हेलो, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। बहुत तेज गर्मी है? बहुत ज़्यादा है। ओके आप तक पहुँचने के लिए पसीने निकल गए हमारे तो। एसी कार के बावजूद भी हालत थी, मतलब अभी टेम्परेचर अराउंड 38 के आसपास है। तो जब हमारा ये हाल है तो पौधों का तो अभी बुरा हाल है ना जी। तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने प्लांट्स को लेना इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि उनको लगता है कि हीट में उसको कंट्रोल करना, उनको प्रोटेक्ट करना उनकी मतलब बस की बात नहीं है। तो आपके यहाँ प्लांट जब रहते हैं तो इतने ग्रीन और हरे भरे कैसे रहते हैं, इतनी स्पेशली समर्स में, तो आप क्या करते हैं ऐसा? देखिए, नॉर्थ इंडिया में गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है, जैसा कि हम जानते हैं टेम्परेचर 31 to 38 तक पहुंच चुका है जी। ऐसे में हमारे साल भर के संभाले हुए पौधे जो हम इतने प्यार से नर्सरियों से लेके आते हैं ढूंढ ढूंढ के अच्छे से देखकर, तो उनको हम कैसे बचाएं, कैसे उनकी पत्तियां हम बर्न होने से बचाएं, तो इस बारे में हम खुल के बात करते हैं। आज कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि अगर सबसे पहला पॉइंट की हम बात करें तो इसमें है प्लेसिंग। तो सभी प्लांट की हमें प्लेसिंग पता होनी बहुत ज़रूरी है, इसी से ही हमारे पौधे बच सकते हैं मरने से। सेकेंड है वाटरिंग। देखिए, समर है, प्लेसिंग का मतलब थोड़ा डिटेल में बताएं। प्लेसिंग उनका ऐसा रहे कि वो शेड में रहे, शेड होना चाहिए। देखिए क्या होता है, कुछ पौधे होते हैं इंडोर के लिए होते हैं, कुछ होते हैं आउटडोर के लिए होते हैं। ओके। कभी हम जब खरीदते हैं पौधे तो हम प्लांट खरीद तो लेते हैं बट हम पूछ नहीं पाते सही से हमें इंडोर रखना है आउटडोर रखना है। जब हम घर आते हैं तो इंडोर प्लांट को आउटडोर रख देते हैं, आउटडोर को इंडोर रख देते हैं। यही कारण होता है हमारे प्लांट्स का मरने का। अच्छा, तो वो ना मरे। क्यों मरे वो? क्योंकि हम इतने अच्छे से उन्हें खरीद के लाते हैं और वो प्लांट मर जाए तो बहुत दुख होता है, क्योंकि प्लांट में हमारी तरह ही जान होती है जी जी। तो वो ना मरे, उसके लिए देखो प्लेसिंग पता होनी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है इसके अंदर वाटरिंग। जैसे गर्मी ज़्यादा है, अभी आप बात कर रहे थे गर्मी की, तो इस गर्मियों में हमें ट्वाइस अ डे वाटर करना होता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादा वाटरिंग चाहिए होती है, जैसे मॉर्निंग में अगर आप वाटर कर रहे हैं तो आप अच्छे से भर के दीजिए, इवनिंग में कंपैरेटिवली मॉर्निंग के आप ज़्यादा पानी दीजिए। वो ऐसा इसलिए क्योंकि नेक्स्ट डे होता है जब सनलाइट आती है, तो पौधे जब आप अच्छे से वाटर करते हो शाम के टाइम तो उससे लड़ने में, हम लड़ने वर्ड यूज़ कर रहे हैं, पौधा धूप से अपने आप को स्ट्रगल करने के लिए, बचाने के लिए सक्षम हो पाता है जब अच्छा। आप शाम को पौधे में पानी अच्छे से डालते हैं। ओके। हालांकि एक और थ्योरी है जो लोग मानते हैं कि आप सुबह पानी दीजिए क्योंकि पानी जो पॉट में होता है उसके वेपोरेशन से प्लांट प्रोटेक्टेड होते हैं, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं जी। सुबह तो आपको देना ही है। अच्छा, आपको जब शाम होती है तो शाम को हम 6 बजे इतने अच्छे से प्लांट को वाटर करें जिससे कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में प्लांट अपने आप को फ्रेश भी रहें और उस धूप से अपने आप को मतलब बचा सकें, इतने सक्षम हो सकें कि प्लांट वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। ठीक है, स्ट्रगलिंग से। यस, स्प्रे कितना इम्पोर्टेंट है इसके इसमें कि प्लांट्स के ऊपर जो पानी है उसको स्प्रे से भी देना चाहिए, ऐसा भी माना जाता है, ये कितना इम्पोर्टेंट है? जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने। देखिए, प्लांट को आप जब भी मैंने ऐसा पहले भी कुछ वीडियो में बताया हुआ है, प्लांट को जब भी आप हमारी नर्सरी पर आते हैं हम नीचे पोर करने की जगह प्लांट की पत्तियों को ज़्यादा नहलाते हैं जी। उससे क्या होता है, प्लांट के अंदर नमी बनी रहती है जिससे स्प्राउटिंग जल्दी होती है। अच्छा, तो पौधों की पत्तियों को आप ज़्यादा नहलाएं, फ्रेश ज़्यादा दिखेंगे और इस गर्मियों में उन्हें बचाने का इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। ऑलराइट, सो
अब कुछ टेक्निक्स भी होंगी जो आपको लगता है कि हम कर सकते हैं, जैसे आपने अभी एक स्प्रे बताया था, तो जनरली ये स्प्रे आपके पास मिल जाते हैं जी? है आपके पास? ये देखिए इस तरह का स्प्रे होता है। अच्छा, इसमें पानी भर के आप प्रेशर बनाइए, प्रेशर बनाने के बाद इसकी नोजल होती है एक डायरेक्ट की, एक स्प्रिंकल की। डायरेक्ट में पानी इस तरह जाएगा, स्प्रिंकल में आप देखेंगे इसको टाइट करेंगे तो इस तरह से मिस्ट की तरह ये देखिए। तो जो हम बात कर रहे थे कि पत्तियों, गर्मियों में पौधे की पत्तियों को हम कैसे बचाएं जलने से, तो इस तरह से हम देखिए पत्तियों को अच्छे से नहला सकते हैं। और ये कितनी बार करना होगा दिन में? सुबह शाम अगर कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा। जब आप पानी डाल रहे हो ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ये देखिए। अच्छा, इससे क्या होता है डस्ट भी हटती है और जो फंगल अटैक होता है वो होने से बच जाता है काफी हद तक। अच्छा, और फोटोसिंथेसिस भी इससे फास्ट होता होगा क्योंकि डस्ट क्लीन हो जाती है। जी जी जी। एक तो ये टेक्निक हो गई, इसके अलावा और क्या तरीका है आप बता रहे थे हमको? देखिए जी, एक और चीज है, ये देखिए हमने ये बोटल्स लगाई हुई हैं जी, जो घरों के अंदर, आपके घर के अंदर भी इजीली से ये बोटल्स मिल जाती हैं। तो इन बोटल्स को हमने ये किया है कि इसके लीड के नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया, आप देख रहे होंगे ड्रिप इरिगेशन हो रखा, काम कर रहा है ये। अच्छा, तो आप गर्मियों में पौधे को बचाने का ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप इस तरह से रस्सी से पौधे के बीचों बीच लटका दीजिए जी। ठीक है, मान लो आप आउट ऑफ स्टेशन भी जा रहे हो जी, वो भी ये तरीका उसमें भी बहुत कारगर है। अच्छा, तो ये देखिए पूरा दिन ड्रिप इरिगेशन होता रहेगा, प्लांट को ठंडक बनी रहेगी और इस गर्मी से बचाने के लिए इससे अच्छा तरीका नहीं होगा। ओके, आई थिंक इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल कुछ है नहीं जी बताने के लिए, आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि होल्स ऐसे रहे कि एक या दो ड्रिप्स ऐसे ड्रॉप निकलता रहे, है ना। ये सेफ एंड प्रोटेक्टेड भी है और आई थिंक लुक्स का कोई ऐसे में मैटर नहीं है, प्लांट को बचाना ज़्यादा जरूरी है। और इसके अलावा आप क्या तरीका बताते हैं इसका? इसी का देखो एक चीज़ और बता सकता हूँ, इस बोटल्स को हमने बांधा हुआ है, आप इस बोटल्स को निकाल के डायरेक्ट इसी तरह से छोटा सा होल करके डायरेक्ट आप मिट्टी के अंदर घुसा दीजिए। अच्छा, वो सीधा जड़ों को भी धीरे धीरे पानी मिलता रहेगा। अच्छा, वो भी एक तरीका है पौधे को। एक अगर आप हम एक पॉट में लगा के दिखाते हैं इसे कैसे? हाँ, दिखा सकते हैं जी। अच्छा, ये देखिए ये बोटल्स इसमें छेद हुआ हुआ है। अच्छा, अब आप इसके अंदर सीधा इस तरह से लगा सकते हो। अच्छा, अच्छे से मिट्टी से गाड़ कर, अगर आप हैंग नहीं करना चाहते तो आप ऐसे हैंग भी करना चाहते हो तो हैंग भी कर सकते हो। अच्छा, अदरवाइज ऐसे फिक्स कर दें। ठीक है, ओके। आज तो आपने बहुत सारी टेक्निक्स हमको बताए, और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? हाँ जी, देखिए एक चीज़ और मैं बहुत अच्छी बताना चाहता हूँ जो हम सब करेंगे पौधे के लिए। देखिए पौधे हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, और पौधों से जो एनर्जी हमें मिलती है वो एनर्जी जब ये इतने अच्छे से हमें देते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है हम इन्हें भी दें। तो आइए देखिए एक चीज़, एक टेक्निक के बारे में और बताता हूँ मैं। ये हमने टब्स भर भर के रखे हुए हैं जगह जगह, आप देखोगे तो हमने टब्स रखे हुए हैं जी। ऐसा आप भी कर सकते हो, इससे क्या होगा जब बहुत जो आपके आउटडोर पौधे होते हैं जी वो गर्मी का सामना करते हैं, उससे बचाव करने के लिए आपको टब भर के आप रखते हैं तो जब धूप आती है उससे पानी वेपोरेट होता है और अच्छा। प्लांट को ठंडक मिलती है। अच्छा, उससे भी एक पौधे को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। अच्छा, तो इसमें क्या प्लांट को, पॉट को प्लांट के पास रखना चाहिए जी? पॉट को आप ऐसे कंटेनर भर के जो आपके प्लांट्स हैं आउटडोर वाले जगह जगह आप भर के रख दीजिए, जिस तरह से देखिए हमने रखे हुए हैं। ओके, और आप यकीन मानिएगा इसके आसपास के पौधे इतने ज्यादा हेल्दी रहते हैं, इतने ज्यादा हेल्दी मैं बता नहीं सकता। ये तो हम भी ट्राई करेंगे। हाँ, मेरी नर्सरी में इसके आसपास के पौधे जल्दी बिकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली वो ज्यादा ग्रो करते होंगे। इसके अलावा मुझे लगता है कि ये तो बर्ड्स भी फीड कर सकते हैं इसमें। बहुत अच्छी बात बोली है ना? ये एक देखिए आप नेचर में हम हैं और इसका हम शौक हमने रखा हुआ है, तो हम ना ओनली हम प्लांट्स को बचा रहे हैं और अपनी बर्ड्स, सुंदर सुंदर जो बर्ड्स हमें देखने को नहीं मिलती जी, वो भी इस बहाने आकर पानी पिएंगी और हम उसको देखने का, बर्ड वॉचिंग का एक लुत्फ उठा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, और इस गर्मी में तो प्लांट्स के अलावा बर्ड्स को भी पानी की जरूरत होती है जी। इसके अलावा और क्या तरीके हैं? देखिए एक तरीका है, हम मोस्टिक लगा सकते हैं प्लांट्स के अंदर। अच्छा, मोस्टिक क्या करते, जितने भी हमारे आउटडोर प्लांट्स हैं हम मोस्टिक लगा सकते हैं इसमें, अपने जितने भी जैसे हमारे इंडोर प्लांट है या आउटडोर प्लांट कहें जो क्रीपर वाले पौधे हैं उसके चारों तरफ आप क्रीपर इसको बांध सकते हो। अच्छा, और जब आप वाटर करेंगे ना तो इसके बीचों बीच आपको पानी भरना है सो दैट ये पूरा वेट रहे।
तो ह्यूमिडिटी बनी रहेगी और प्लांट आपका बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। या एग्जैक्टली आपने ना सही बोला, मैं बहुत खुद अपने घर में भी हम ऐसे ही वाटर करते हैं। हमारे पास जितने मनी प्लांट्स हैं और अच्छे खासी उनकी ग्रोथ हो रखी है, उनको हम हमेशा मॉसेस स्टिक से ही पानी डालते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं जानते, वो मॉसेस स्टिक में पानी नहीं डालते, उसको ड्राई रखते हैं। जी गर्मियों में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। देखिए इसी में ही इसके अंदर ये मॉस है, आपको लूज मॉस भी मिल जाएगी। अच्छा, वो भी आप अपने पौधों के चारों तरफ लगा सकते हो। वो भी एक तरीका है पौधों को ठंडक देने का इस गर्मी में, उससे भी आप आपके पौधे काफी हद तक बचे रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए किसी के पास मल्चिंग के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं ठीक से। व्हाट इज दैट प्रोसेस कॉल्ड एज मल्चिंग, क्या वो क्या होता है? देखिए मल्चिंग जो आपके गार्डन के ही अंदर से आपको मिल जाती है, जैसे आपके गार्डन है, आपके बैल्कनी में रखे हुए प्लांट्स हैं, अगली सुबह जब आप जाके अपने प्लांट्स को वाटर करने के लिए जाते हो तो आप देखते हो पत्तियां कई सारी नीचे गिरी हुई हैं, तो आप धीरे धीरे इनको इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, एट टाइम्स आपके पास जब इतनी पत्तियां हो जाती हैं इकट्ठियाँ, या आप धीरे धीरे डालते रहिए, जैसे देखिए हमने डाला हुआ है। अच्छा, अब ये देखिए मल्चिंग, ये क्या मॉइस्चर लेवल को मेंटेन रखते हैं? मॉइस्चर लेवल को मेंटेन रखेगा, और जो आउटडोर में लगे हुए पौधे आपके जो होते हैं रखे हुए, डायरेक्ट सन से उसकी जो सॉइल जो नीचे मिट्टी होती है उसे जल्दी से सूखने नहीं देगा। ओके, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी हेल्प करता है इसे लगाने से। ऑलराइट, इसीलिए शायद ट्रॉपिकल कंट्रीज में अच्छे ग्रो करते हैं क्योंकि फॉरेस्ट में जी मल्चिंग अच्छी होती है। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि इसकी जो जिस तरह से मल्चिंग आपने पत्तों से की है, क्या इसको जूट से कर सकते हैं क्या? हाँ जी, जूट से भी कर सकते हैं। अच्छा, ओके, मतलब जो अपना कोकोपीट आता है, या आपने बताया ये मल्चिंग आप अपने वेस्ट लीव से कर सकते हैं, आप मॉस ग्रास से कर सकते हैं, कोको चिप से कर सकते हैं। अच्छा, ओके, आपका जूट बैग जो होता है, अच्छा जूट बैग जिसे हम बोरी बोलते हैं, हाँ जी हाँ जी, बोरी हर घर में भी मिल जाएगी शायद, जी जी, और रखी हुई रहती है कहीं ना कहीं, तो वहां से भी हम उसके काट कर उसके प्लांट की चारों तरफ हम लगा सकते हैं। उसको भिगो दीजिए, हाँ जी भिगो दीजिए, वेट कर दीजिए, अच्छा, जिससे आपका पौधा धूप से लड़ने के लिए, धूप से फाइट करने के लिए काफी हद तक तैयार रहता है वो, ठीक है, बच पाता है वो। और आपने बताया कि पेबल्स में देखता हूँ बहुत सारे लोग लगा के रखते हैं, क्या पेबल्स भी मॉइस्चर लेवल मेंटेन करते हैं? देखिए हमने कैसे लगाए हुए, ये अच्छा, पॉट था तो उसके टुकड़े कुछ थे हमारे पास, अच्छा, हमने इसको कवर कर दिया। ओके, तो ये भी एक तरीका है डायरेक्ट धूप से बचाने का पौधों को। अच्छा, और ये देखिए वेट हो जाते हैं, आप जानते हैं पौधे मिट्टी के पॉट में लगे होने सबसे अच्छे माने जाते हैं, जी जी, तो उसी के मिट्टी के पॉट के हमने ये टुकड़े लगा दिए, ये सोख करके रखते हैं पानी को, और देखिए कितने सुंदर भी लग रहा है देखने में, और ये धूप से बचने के लिए प्लांट को बचाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। ओके, तो ये जो एवोपरेशन प्रोसेस है जो पॉट का, स्पेशली बोनसाइज में क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता जी पानी को रिजर्व करने के लिए, तो उसमें बहुत जल्दी ड्राइनेस आ जाती है, तो इसके लिए अच्छा है कि आप पानी का एवोपरेशन प्लांट की सॉइल से रोकने के लिए आप इस तरह से पेबल्स भी रख सकते हैं, पेबल्स भी रख सकते हैं, स्पेशली ये टेराकोटा या क्ले के हैं। जी जी, ठीक है, और क्या है इसके अलावा? और ये देखिए हमने स्टोन भी डाले हुए हैं, लीका बॉल्स भी हैं। अच्छा, ये देखिए, हाँ इनको क्या बोलते हैं, हम अक्सर एयरपोर्ट पे देखा करते हैं, ये देखिए लीका बॉल्स हैं, ये सॉइल का सब्स्टिट्यूट है। अच्छा, है ना, ये वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है ये जी, और इसे भी आप डाल सकते हैं। ये कहाँ मिल जाते हैं? ये हमारे पास भी मिलते हैं, बाकी हर जगह आई थिंक मिल जाएंगे आपको। अच्छा, ठीक है, और क्या टेक्निक है इसके अलावा समर्स में प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? और देखिए एक और इम्पोर्टेंट मैं बात बताया था, आप जब भी हमारी नर्सरी पे आते हैं आपने ग्रीन नेट देखा होगा, ग्रीन कलर का नेट होता है, वो हमारी नर्सरियों में खासकर आपने देखा होगा, जैसे हमने लगा के रखा हुआ है, जी जी जी, आप देख सकते हैं आपके पीछे देख पा रहे हैं, तो आप किसी भी नर्सरी से ग्रीन नेट ले सकते हैं, उस ग्रीन नेट को अपने पौधों के गर्मियों के टाइम में स्पेशली लगा सकते हो, जिससे आपके पौधे बचे रहेंगे। अच्छा जी, और इसके अलावा एक चीज और हम नोटिस कर रहे थे पीछे आपके उधर आप कर रहे थे प्लांट्स के नीचे आप जूट बिछा रहे थे बैग्स, वो आप क्यों कर रहे थे जो फ्लोर के ऊपर, वो क्या प्रोसेस था? हाँ देखिए जमीन कई लोगों के पास गार्डन होता है जी, कई लोगों के पास गार्डन नहीं होता, तो जिनके पास गार्डन है मैं उनको बोलना चाहूंगा फर्श पे रखे हुए प्लांटों को जमीन पे रख दें, जिससे उनको ठंडक मिले, मतलब कच्ची जमीन पे, कच्ची जमीन पे मिट्टी जहाँ रहती है उससे पौधे काफी हद तक आपके बचे रहते हैं, काफी हद तक उन्हें ठंडक मिलती है, ग्रोथ आप देखोगे बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। अच्छा अच्छा, तो दूसरी चीज है कई लोग जैसे गुड़गांव जैसे शहर में, जैसे हमारी नर्सरी गुरुग्राम में, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों के पास बैल्कनी है, फ्लैट्स हैं, तो यहाँ पर गार्डन ना होने की वजह से लोगों ने बैल्कनी में प्लांट्स लगा रखे हैं, जिससे क्या होता है ज्यादा हीट की वजह से प्लांट आपके खराब होने लगते हैं। अच्छा, तो उससे हमें बचने के लिए हम क्या करें,
बताता हूँ आपको जी, उससे आप बीच बीच में अपने प्लांटों को आप पानी डाल सकते हैं ज़मीन पर, फ्लोर पर। ओके। फ्लोर पर जब आप पानी डालते हैं तो पौधों का टेम्परेचर डाउन होता है और पौधों को ठंडक मिलती है, ये अच्छा, एक तरीका है। तो आपने बताया कि जो फर्श पे हैं, जिन्होंने जिनके पास कंस्ट्रक्टेड एरिया में प्लांटर्स रखे हुए हैं, पौधे रखे हुए हैं, आप उनको बोल रहे हैं कि अपने उस एरिया को आप मतलब वंस इन अ डे ट्वाइस इन अ डे उस एरिया में पानी डालते रहें। हाँ, पूरा तो दिन में एक या दो बार आप कर सकते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, दिन में एक या दो बार डाल सकते हैं जिससे पौधे आपके बचे रहते हैं। टेम्परेचर जब डाउन होता है तो पौधों के अंदर एक अलग ही ठंडक होती है और वो अपने आप को बचा पाते हैं। ठीक है, और वो फ्लोर से भी वेपोरेशन तो होता ही होगा प्लांट्स का। ठीक है, और इसमें एक चीज़ है, जूट बैग, जैसे हम जूट बैग की बात कर रहे थे, बोरी है अगर आपके, हाँ। तो पौधों को उठाकर आप उसके नीचे बिछा दो, हाँ। नीचे ऊपर से पौधे रख दो अपने। अच्छा। जब आप पानी करते हो तो बोरी जो होती है वो पूरी वेट हो जाती है, गीली रहती है। ओ, तो मानिए 4 से 5 घंटे तक वो गीली रहती है, तो सोचिए आपके कितने हद तक वो प्लांट को ठंडक मिलेगी, कितना उसे मजा आएगा। जिस तरह से हम एसी में बैठ के मजे लेते हैं जी जी, प्लांट को भी चाहिए जी। ठीक बात है, इसलिए ऑल राइट, वंडरफुल। आई थिंक सारे टेक्निक्स जो हैं आप कॉम्बिनेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक टेक्निक के साथ साथ आप सारी टेक्निक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ड्रिपिंग भी कर सकते हैं, मल्चिंग भी कर सकते हैं, और जो ऑयल सीड्स हैं, जो ऑयल के पेबल्स हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो पेबल्स हैं, गोल गोल जो पेबल्स होते हैं, लीका बॉल्स डाल सकते हैं, पेबल्स डाल सकते हैं, कॉम्बिनेशन में भी प्ले कर सकते हैं आप, जो कन्वीनियंट हो। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मुझे लगा पूरी कॉन्वर्सेशन में ये है कि प्लांट्स को बहुत प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा, है ना जी। और अगर आप प्यार प्रॉपर देते रहेंगे तो वो कभी नहीं मरेंगे, बिल्कुल, है ना जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस विद अस। अब हम अगले वीडियो की तैयारी करते हैं, आपसे कुछ और प्लांट्स देखेंगे जो नेक्स्ट एपिसोड में हमारे व्यूअर्स को दिखाएंगे। चलिए अब हम दूसरा एपिसोड करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ द एपिसोड नाउ। आई होप यू लाइक्ड इट। इन केस देयर आर फ्यू क्वेश्चंस रनिंग इन योर माइंड एंड यू बिलीव दे आर नॉट आंसर्ड इन द वीडियो, वी रिक्वेस्ट यू वेरी पोलाइटली प्लीज राइट डाउन एंड पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल इंसिस्ट अजय जी टू आंसर ऑल ऑफ देम इन केस ही डज नॉट हैव आंसर्स व्हिच आई टेरिबली डाउट। And so we will do a little bit of research and come back to you. Thanks a lot for watching Claptrap. We'll be back again with more videos. Till then, take care. Bye-bye.